नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। इसमें देखिए कंटिन्यू सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और निफ्टी में भी दबाव देखने को मिल रहा है 3 दिन से। तो ये दबाव ना अभी इस स्टॉक में भी पहले से था, मगर अब निफ्टी का दबाव आ चुका है तो एक भारी भरकम हमको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तभी जो है ना करंट लेवल की बात किया जाए तो ये ऑलरेडी सपोर्ट एरिया पे क्लोजिंग दिया है आज के दिन। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, जहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया था, अच्छा खासा मूव बनाया था। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था जहाँ से पुल डाउन किया था। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया जो कि 900 रुपए का है। अगर कल के दिन इसे ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमको ना डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तब ना इसमें ना थोड़ा सा हमको 800 रुपए तक का, मतलब 100 पॉइंट तक का गिरावट देखने को मिल सकती है या इस लेवल तक का। और अभी कैलकुलेट किया जा करूँ मैं अभी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, अगर ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करो ना, एक बहुत ही ज्यादा रहा, जैसे 35% तक का गिरावट हो चुकी है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है 900 रुपए का। और 3 दिन से निफ्टी में भी गिरावट है। कल के दिन अगर निफ्टी में थोड़ा सा अपसाइड जाता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए आज इतना गिरावट नहीं हुआ, जैसे 2% का ही हुआ, और इसका लिमिट कितना है तो सिर्फ इसमें 5% का लिमिट है। तो जो है ना अगर होल्ड करना भी होगा तो इसको इसी लेवल से होल्ड करके अपसाइड जा सकता है, जो कि पहला टारगेट हमारा रहेगा। छोटे छोटे अभी टारगेट आपको रखने चाहिए क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और अभी रिजल्ट आने में ज्यादा दिन बचे नहीं है। छोटे छोटे टारगेट रखो, 950 हमारा पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 1000 रुपये तक का रहेगा। अगर ये कल के दिन ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आप 800 रुपये तक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल सकती है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पर आया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।